बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये देश का कानून, ये देश का संविधान, ये देश का एक प्रथम ग्रंथ तैयार करके देश की सरकार को, राष्ट्र को सौंपा था कि आप इस संविधान से जो है वो देश को चलाइए। देश में व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन मुख्य स्तंभ तैयार करके जो देश का एक मजबूत देश की नींव रखी बाबा साहब अंबेडकर जी ने, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। लेकिन शांति का प्रतीक संविधान, हमारा देश शांति का प्रतीक, हमारा देश धर्म निरपेक्ष, हमारे देश में स्वतंत्रता सर्वोपरि, हमारे देश में न्याय सर्वोपरि, बंधुत्व सर्वोपरि, समानता सर्वोपरि, शिक्षा का अधिकार सर्वोपरि, संपत्ति का अधिकार भी है, मौलिक अधिकार सर्वोपरि, देश का नागरिक सर्वोपरि, उसके बावजूद भी आज देश की सरकार ने देश में जो अशांति फैला रखी है उससे देश परेशान है। एकमात्र दलित वर्ग की ही परेशान नहीं है, देश की महिलाएं परेशान बलात्कारों से, गैंगरेप से, तमाम तरह के जो अपराध महिलाओं के साथ होते हैं उनसे देश की महिलाएं परेशान, दलित वर्ग के साथ अत्याचार होते हैं, शोषण होता है, बहुत बुरे बुरे अत्याचार जो हैं वो किए जाते हैं, देश के तमाम इलाकों में किए जाते हैं, सभी राज्यों में किए जाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है पूरा देश जानता है, राजस्थान में क्या हो रहा है पूरा देश जानता है, हरियाणा में, गुजरात में क्या हो रहा है पूरा देश जानता है, यहां तक कि देश का जो धनाढ्य वर्ग है वो भी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि इस सरकार ने ऐसी नीतियां बना दी है कि चंद लोगों को धन मिलेगा, लूटेंगे, खाएंगे, भरपूर खाएंगे, उसके बाद विदेश भाग जाएंगे। तो तमाम जो धनाढ्य, जो व्यापारी वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, जो व्यापारी वर्ग है वो भी परेशान है। व्यापारियों से वो लोग पैसा वसूलते हैं, लूटते हैं, खाते हैं, फिर विदेश भाग जाते हैं, चाहे वो विजय माल्या है, चाहे वो ललित मोदी है, चाहे अन्य और लोग हैं। देश में क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज पूरा का पूरा देश जो है वो हाय हाय कर रहा है, पूरा देश जो है वो करहा रहा है। ऐसे में मैं आज संविधान दिवस जो है, मैं इस संविधान दिवस पर ये तमाम बातें उठा रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसा सपना नहीं देखा था कि देश में एक ऐसी लुटेरी सरकार भी आएगी कि जो देश को जो है वो चुन चुन के जो है गरीबों के साथ में और हर वर्ग के साथ में इस तरह का दुराचार, इस तरह का अत्याचार करेगी कि पूरा देश परेशान हो जाएगा, तराई तराई करेगा ये पूरा देश, तराई माम पूरा देश कर उठेगा। देश का संविधान खत्म ये सरकार कर रही है क्योंकि आरएसएस को 95 साल पूरे हो रहे हैं और अब 100 साल पूरे होने को है। आरएसएस का एक उसूल रहा, आरएसएस का एक अपना एजेंडा रहा, दलितों को, महिलाओं को दबाया जाए, और फिर उसके 100 साल पूरे होने पर उसका एजेंडा पूरा होना उसने अपनाया और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तमाम तरह की इसमें अड़चने आई, तमाम तरह की पार्टियां बन के बिगड़ी और उसके बाद जाकर के ये भारतीय जनता पार्टी तैयार हुई और भारतीय जनता पार्टी के राज में आज देश में क्या हालात है पूरा देश देख रहा है। जितने साथी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आपके लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है, भाई अंगूठा लगाओ, दबाओ, सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा राइट हैंड साइड पर, उस पर क्लिक करते ही अंगूठा लगाते ही ग्रुप खुल जाएंगे फेसबुक के, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ग्रुपों में शेयर कर दो। और जो साथी बाद में जुड़ेंगे, चाहे वो YouTube के माध्यम से मुझे देखें, चाहे वो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे देखें या इस फेसबुक पेज के माध्यम से मुझे देखें, भाई ये बात दूर दूर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज देश का किसान अन्नदाता, हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, जय जवान को भी इस देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बख्शा नहीं है, क्योंकि पुलवामा का हमला हुआ, आज तक भी पुलवामा हमले की जांच पूरी नहीं हुई है। इतना आरडीएक्स आया कहां से, ये बड़े सवालों के घेरे में नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। साथ में आज किसानों के साथ क्या हो रहा है आप देखिए, किसान पूरे देश को अन्न देता है, किसान पूरे देश का पेट भरता है, फिर किसान को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती,
किसानों के गले में फंदा लटका होता है। किसानों को उसकी फसल का दाम पूरा यह सरकार नहीं देती। मंडियों में जिस तरह के हालात इस सरकार ने बना दिए और तीन तीन कृषि कानून ला करके इस देश में काला साम्राज्य स्थापित कर दिया, यानी कि गरीबों को लूटा, नोटबंदी में लूटा, देश को काले धन के नाम पे लूटा, 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे उस वो कह करके लूटा, देश को कोरोना के नाम पे लूटा। जब कोरोना की बीमारी आई तो देश के प्रधानमंत्री ने अपील करके करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों, जिसको कहते हैं जिसकी असीम सीमा भी नहीं है, इतना रुपया धन जो है वो इकट्ठा किया, देश को लूटा, गरीबों को मारा, पैदल लोग चले, छोटे छोटे बच्चे जो है वो पैदल चल चल के मारे गए, बुजुर्ग मारे गए, महिलाएं मारे गई, जो प्रेग्नेंट लेडीज थी वो मारी गई। देश का क्या हश्र हुआ, क्या हालात हुए, ये देखिए। हर एक वर्ग को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। आज किसान निशाने पर है। अगर जितना पैसा आज पानी की बौछारे मारने में खर्च किया जा रहा है, पूरे पानी को वेस्टेज किया जा रहा है, पानी के वेस्टेज करने पर भी कानून है, इतना पानी वेस्टेज कर दिया, लाखों रुपए का पानी किसानों पर मार करके वेस्टेज कर दिया, इसका हिसाब कौन देगा मोदी साहब, इसका हिसाब कौन देगा खट्टर साहब। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, सेंटर में बीजेपी की सरकार, पंजाब से किसान भाई आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, महिलाएं हैं, युवा है, बच्चे हैं। भाई किसान तो अपनी खेत में हल चलाता है, किसान अपना हक मांग रहा है, किसान आपसे भीख नहीं मांग रहा है मोदी साहब, खट्टर साहब, किसान आपसे भीख नहीं मांग रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है जो उसका हक है, और किसान को आप उसका हक देने के बजाय उसको लाठी मार रहे हो, उसको गोली मार रहे हो, किसानों के ऊपर पानी की बौछारें मार रहे हो। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के काम आती है, वही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आज किसानों पर पानी मारने का काम कर रही है। शर्म से डूब मरना चाहिए खट्टर साहब को, शर्म से डूब मरना चाहिए मोदी साहब को, इस देश की सरकार को, बीजेपी के नेताओं को, आरएसएस के लोगों को, जो आज किसानों का हश्र किया जा रहा है। क्या देश का संविधान ये कहता है? देश के संविधान में प्रावधान है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना कर सकते हैं। देश का संविधान सारे मौलिक अधिकार देता है। किसान आज दुखी है, किसान अपना हक मांग रहा है, वो दिल्ली जाना चाहता है। क्या दिल्ली पाकिस्तान में है खट्टर साहब? क्या दिल्ली पाकिस्तान में है मोदी साहब? दिल्ली भारत की राजधानी है, हर एक व्यक्ति का हक है कि वो दिल्ली जा सकता है, लेकिन आप बैरिकेड लगा करके किसानों को मजबूर कर रहे हो कि वो बैरिकेड तोड़े, किसानों को मजबूर कर रहे हो कि वो आपके साथ में लाठी का जवाब लाठी से दे, आप मजबूर कर रहे हो किसानों को कि वो जो है वो आपसे पूरा हिसाब लेने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन आज किसान अपना हक मांग रहा है। 2 जून की रोटी किसान कमाता है, वो 2 जून की सूखी रोटी भी नहीं खा सकता, उसके जो पशु हैं उन पशुओं को चारा भी समय पर नहीं मिल सकता, अपना घर बार छोड़ करके किसान रोड पर निकल चुका है, अपने बच्चों को छोड़ के किसान रोड पर निकल चुका है, अपने बच्चों की फीस स्कूल की भरने के लिए आज किसानों को सरकार की तरफ देखना होगा, सरकार की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है किसान। जब किसान फसल, किसान को फसल का पूरा दाम ही नहीं मिलेगा, काले कानून इस देश में आएंगे, तो आखिर कैसे किसान की तरक्की होगी, आखिर कैसे किसान जो है वो इस देश का पेट भर पाएगा। जबकि सच्चाई तो ये है कि ये 3 काले कानून ला करके आप किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं। किसके थ्रू गुलाम बनाना चाहते हैं? पूंजीपतियों के थ्रू गुलाम बनाना चाहते हैं, उद्योगपतियों के थ्रू आप गुलाम बनाना चाहते हैं किसान को। किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है, खून पसीना एक करता है, मिट्टी से सोना उपजाता है किसान, उसी किसान के साथ में आज आप क्या कर रहे हैं मोदी जी, ये सवाल आपके सामने है। और खट्टर साहब, जितने आप शरीफ चेहरे से देखने से लगते हैं, इतने शरीफ आप है नहीं, क्योंकि किसानों के ऊपर जुल्म ढाने का काम आप कर रहे हैं। अंबाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र,
सिंगू बॉर्डर हरियाणा जो दिल्ली का और हरियाणा का बॉर्डर है, गुड़गावा, किसानों के साथ में जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि किसान जो है वो पाकिस्तान का या चाइना का या अफगानिस्तान का या फिर नेपाल का या फिर बांग्लादेश का बॉर्डर पार करके वो भारत में दाखिल हो रहे हैं। ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके किसान दाखिल हो रहे हैं, अपने ही देश में दोयम दर्जे का व्यवहार, अपने ही देश में एक शहर से दूसरे शहर में किसान जा नहीं सकता। क्यों भाई, जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उसके पास किसान गए थे, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्री ने मिलना उचित नहीं समझा। क्यों उचित नहीं समझा? क्योंकि उसके ऊपर मंत्री होने का भूत सवार है, उसके ऊपर मंत्री होने का भूत सवार है, इसलिए उसने मिलना उचित नहीं समझा। उसने अपने निजी सचिव से मिलने का हुक्म दिया, निजी सचिव ने उन किसानों की एक बात नहीं सुनी, किसानों ने बार बार गुहार लगाई, हरियाणा सरकार से बात की, पंजाब सरकार से बात की, लेकिन सेंटर की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नहीं सुनी। किसान देश के सुप्रीम कोर्ट गए, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब तीसरा स्तंभ जो है देश का न्यायपालिका, उसकी तरफ जो है वो इशारा होता है, उसकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से लोग देखते हैं। किसान सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने फाइल देखी और बंद कर दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास किसानों की समस्याएं सुनने का समय ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर चलता है। आज सुप्रीम कोर्ट भी नरेंद्र मोदी ने गुलाम बना लिया है, आरएसएस ने अपना गुलाम बना लिया है, आज सुप्रीम कोर्ट को भी कब्जे में कर लिया है, कठपुतली बना करके जजों को नचाया जा रहा है। ऐसा हिटलर शाही जमाना आज तक इतिहास में पहले नहीं देखा गया। हिटलर को भी माफ करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो कि पूरे तरह से गलत है। अब किसानों को आंदोलन के लिए रोड पे उतरना पड़ रहा है, तो यह सरकार उनके साथ वो अत्याचार कर रही है जो करना नहीं चाहिए। दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, एससी एसटी एक्ट को बैन किया गया, तमाम तरह के लोग जो शांति प्रिय लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, पकड़ के उनको जेल में ठोका जा रहा है, इस तरह के तमाम काले कानून लाए जा रहे हैं। यूपी के अंदर लव जिहाद नाम का कोई शब्द नहीं, कोई तरीका नहीं, एक अध्यादेश ले आए जो कि देश के संविधान के आर्टिकल 21 आर्टिकल 14 को चुनौती देता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो संविधान के खिलाफ है। इस तरह का काम आरएसएस कर रहा है, इस तरह का काम बीजेपी कर रही है। देश का संविधान पूर्ण तरीके से लागू नहीं किया गया है। अकेले अकेले पिटोगे, मैं आपको कहता हूं, दलित अकेला पिटेगा, ओबीसी अकेला पिटेगा, किसान अकेला पिटेगा, मुसलमान अकेला पिटेगा, क्रिश्चियन अकेला पिटेगा, बुद्धिस्ट अकेला पिटेगा, सिख अकेला पिटेगा, और देश के गरीब अकेले पिटेंगे, देश का व्यापारी वर्ग अकेला पिटेगा, क्योंकि इस सरकार ने बारी बारी से सबको टारगेट बना करके, सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग कानून ला करके इस देश के तमाम वर्गों को निशाना बनाने का काम यह सरकार कर रही है। पैसा कमाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, नौकरियां देश की सरकार खा गई, सरकार के पास नौकरी नहीं है। तमाम हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, चाहे वो लाल किला है, चाहे वो कुतुब मीनार है, चाहे वो कोई भी ऐतिहासिक जगह है, उनको सरकार बेचने का काम कर रही है। सरकार बैंकों को बेच रही है, सरकार रेलवे को बेच रही है, सरकार एयरपोर्ट बेच रही है, किसको बेच रही है? टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इनको बेचा जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बेच रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी ने, इनके मालिक हैं क्या नरेंद्र मोदी जी, या नरेंद्र मोदी जी ने इन ऐतिहासिक जगहों को पैदा किया है क्या, या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या ये, क्या ये उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है जो बेच रहे हैं? लेकिन सरकार में है, अथॉरिटी है, बेच रहे हैं, देश में नहीं बोल रहा कोई भी, जो बोल रहे हैं उनको जेल हो रही है। ये हालात देश में, इमरजेंसी देश में लगेगी। इस लाइव वीडियो को आप रिकॉर्ड करके रख लेना,
101% आज नहीं तो कल देश में इमरजेंसी जरूर लगेगी, क्योंकि देश का संविधान समाप्त किया जा रहा है, देश का संविधान खतरे में है, देश का हर एक नागरिक खतरे में है, देश के तमाम वर्ग खतरे में है, नरेंद्र मोदी की सरकार में खतरे में है। आज सभी देशवासियों को एकजुट होने की आवश्यकता है। आज संविधान दिवस की संध्या पर सभी देशवासियों को मेरा यह संदेश है, सभी वर्गों को यह संदेश है कि अगर भारत देश को बचाना चाहते हैं, अगर भारत देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, तो आप सभी को एकजुट होना होगा। और देश में जो हिटलर शाही चल रही है, इस हिटलर शाही का मुकाबला संवैधानिक तौर पर करना होगा, संविधान के दायरे में रहकर करना होगा, और हमें अपनी आत्मरक्षा भी करनी होगी। मैं देश की शेड्यूल कास्ट से यह बात कहता हूं। आज बाबा साहब अंबेडकर जी ने यूं मूंछों पर ताव लगाने का अधिकार ही नहीं दिया, बल्कि शिक्षा का अधिकार भी दिया। आज बाबा साहब अंबेडकर जी ने महिलाओं को वो अधिकार दिया कि महिलाएं एक गांव की सरपंच भी बन सकती हैं, महिलाएं नौकरी भी कर सकती हैं, महिलाएं देश की सीमा पर देश की रक्षा भी कर सकती हैं। देश के तमाम वर्गों को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिए हैं। तो भाई नरेंद्र मोदी जी कौन होते हैं आखिर इन अधिकारों का हनन करने वाले, इन अधिकारों को कुचलने वाले, इन अधिकारों को समाप्त करने वाले और संविधान को समाप्त करने वाले। आज हम सबको मिलकर देश के संविधान की रक्षा करनी होगी। जितने साथी मेरे साथ जुड़े, सभी साथियों को नवाब सतपाल तंवर की तरफ से, भीम सेना की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। लाइक, शेयर, कमेंट।